हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है 27 सितंबर और अभी सुबह के 7:50 हो रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो इस वक्त आपसे हम बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, क्या बताएं, आज ब्लॉग को बहुत ही लेट स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आज जो था सो कुछ ख़ास दिन था इसीलिए। और ख़ास क्या था, ख़ास बात थी, खास दिन है तो क्या है, तो आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, क्या बताऊँ, हम पहले ही उठ चुके थे, लेकिन हम काम करना होता है, डेली काम। तो दोस्तों, इसी में हम व्यस्त थे। और ख़ास बात यह है कि जितिया की नहा खा है। तो दोस्तों, जितने सारे लोग करते हैं, ये व्रत करते हैं और अपने बच्चे के लिए, तो दोस्तों आज उनका नहा खा है, नहा करके खाना होता है। तो दोस्तों, हम तो करते नहीं हैं, और पितर जो है, पितृदेव जो हैं, सो आज उनको कुछ चढ़ाया जाता है। तो हम जा रहे हैं माथा मीर के, और तेल खड़ी हम चढ़ाएंगे, उसके बाद उनको जो है सो दही चूड़ा और चीनी से भोग लगाया जाएगा। तो इसी को लेकर बहुत सारे काम होते हैं, जो साफ सफाई होता है, एक पावन की तरह ये पर्व है, बहुत ही पवित्र है। और दोस्तों दो हमारा लड़का है, तो हम जितिया करते थे, लेकिन हम नहीं करते हैं अभी, इसीलिए जो एक ऑपरेशन हुआ था उसमें हमको टाका भी नहीं कटाया गया था, और बहुत ही सीरियस पोजीशन था इसी कारण। और जितिया में सहना होता है, निखंड व्रत करना होता है, तो कैसे दवाई देता, कैसे सुई लगता, तो इसी कारण से हम बहुत सीरियस पोजीशन में थे। हम तो सोचे जो करते, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो अपनी लाइफ की कुछ बातें जो हैं सो हम आप सबको शेयर करते हैं, इसी कारण से हम जितिया नहीं करते हैं। लेकिन हमारे घर में जितने देव पितर हैं उनको चढ़ाया तो जाता है। तो नहा कथा के अनुसार लोग इसमें माँ जो है सो खाना पानी नहीं रात के समय में पीती है। तो दोस्तों, खाया पिया तो एक माँ को नहीं जाता है, लेकिन दोस्तों हम जो है सो इसी कारण से नहीं कर पाए। और जा रहे हैं माथा मेर के, और तेल खरी पितर पितराइन को चढ़ाएंगे, और उसके बाद उनको भोग लगाएंगे। तो दोस्तों, खाना पीना जो है सो आधा बन चुका है, आधा नहीं बना है, जैसे दाल चावल बन चुका है, सब्जी नहीं बनी है। और एक बेटा पढ़ा रहा है दरवाजे पर, दूसरा जो है सो सामान लाने के लिए गया है। और हमारे हस्बैंड जी जो है सो बगल में थोड़ा सा खेत है, जितने सारे खेत हैं वो तो ठीका बटैया दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है सो रखे हुए हैं, जैसे सब्जी उपजाने के लिए। तो उसमें जो है मजदूर हैं और अपने हैं, मजदूर हैं वो जो है सो परोर का लत्ती जो है सो अब परोर भरने वाला नहीं है, तो सीजन नहीं है, तो उसको काट के और उसमें कुछ सब्जी लगाएंगे, इसीलिए वो वहाँ पे गए हैं देखने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी है नहीं अभी, तो आप सबको किससे मिलवाऊँ, किससे बातें करवाऊँ। तो आते हैं तो आपसे निश्चित ही बातें करवाएंगे, और बने रहते हैं आज की ब्लॉग में। तो दोस्तों, क्या करें, जा रहे हैं नहाने के लिए, पूजा करने के लिए, फिर आपसे हम बातें करते हैं आके। तो दोस्तों, अभी 10:10 हो रहे हैं, और दोस्तों हम नहा सुना के पूजा पाठ कर लिए हैं। और तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं जो हम पूजा किए हैं, देख सकते हैं यहाँ, यही हम भगवान की पूजा करते हैं। और दोस्तों हमारे घर में जो है सो गोसाई जो है, गोसाई बाबा जी से आप मानते हैं, कहते हैं और पूजते हैं, तो मेन जो होता है सो हमारे घर में नहीं है, उनका उदासी पूजा करते हैं। तो हम अभी नहीं गा रहे हैं, जिसे आप बोलते होंगे गोसाई गाना, और ये हम नहीं किए हैं, उनका उदासी ही पूजा करते हैं। तो हमारे जो फरीक में है, हमारे चाचा जी, उनके घर में है, तो हम यहाँ इसी तरह से पूजा करते हैं अपना,
और चढ़ाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहीं हम पूजा करते हैं और पितर पितराइन जो है उनको भी चढ़ाए हैं, दही चूड़ा चिन्नी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, विश्वकर्मा बाबा, और ये जो है सो बाबा धाम से लाए थे ये, और ये सब बनवाए हैं और ये भी बनवाए हैं। तो यही हम पूजा करते हैं और व्यवस्था हम करेंगे पूजा करने की। तो अभी जो है इतना ही सा व्यवस्था है। और दोस्तों पूजा तो मन से होती है, भगवान सभी जगहों पे है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे जो और भी अच्छा हो। तो दोस्तों यहीं हम पूजा करते हैं, देख सकते हैं यहाँ हमारा फुलडाली है और यहाँ शनि देव की जो पूजा करते हैं तिल है, अरवा चावल है। तो दोस्तों यही रूम है हमारा पूजा का, और इसमें कुछ कपड़े वपड़े रखते हैं, जो जैसे सिरक हुआ, इसी गिंडा हुआ, जरा का सामान जो है यही में रखते हैं इसीलिए। तो दोस्तों ये दो मंजिल पे है और आप सब देख सकते हैं एलिएस्टर का है, और अभी इसे हम नहीं ढाले हैं, ढालेंगे ये भी, लेकिन अभी जो है सो बच्चे सब में हम लगे रहते हैं इसीलिए जो है सो नहीं ढाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहीं हम पूजा पाठ करते हैं और यही छोटा सा मंदिर है हमारे लिए। और दोस्तों बने रहते हैं आज की ब्लॉग में और जाते हैं, और देखिए आगे की सीन आप सबको क्या देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए हम जाते हैं और खाना भी कोई नहीं खाया है, तो जा रहे हैं, उसको खाना बन चुका है लेकिन खाया नहीं है, तो जा रहे हैं उस सबको खिलाएंगे, खुद खाएंगे और फिर आपसे हम बातें करेंगे। तो बने रहते हैं आज की ब्लॉग में। दोस्तों देख सकते हैं एक सप्ताह होटल का, एक सप्ताह जाती ड्यूटी, हॉस्पिटल का ड्यूटी जाने के बाद क्या होता है आप लोग समझते हैं? ये हाल एक सप्ताह, एक दिन सोते रहने का बहुत मजा आता है। फिर कल से हॉस्पिटल फिर जाना है अपनी वाइफ को लेकर, फिर बच्चे को लेकर, फिर छोटे बच्चे को लेकर, फिर वाइफ को लेकर, फिर बड़े बच्चे को लेकर, फिर छोटे बच्चे को लेकर, और इसी तरह से हम भी बीमार पड़े रह जाएंगे। तो दोस्तों अभी चाय बन रहा है और टाइम अभी 2:30 बज रहे हैं, और इस टाइम जो है तो क्या बताएं, यहाँ की मौसम के बारे में बात करें तो यहाँ की मौसम सकते हैं बारिश होने की संभावना है, देख सकते हैं। हमारे घर के आसपास का लोकेशन इलेक्शन का समय बिहार में, पंचायत चुनाव जो है इसे लेकर के मतलब एकदम चौक चौराहे पर चर्चा रहता है, घमासान, ये बनेंगे मुखिया, वो बनेंगे जिला परिषद, ये बनेंगे सरपंच, ये बनेंगे पंच, यही सब का चर्चा रहता है। इसी में थोड़ा हम भी इंजॉय मस्ती लेते हैं। तो दोस्तों ये ब्लॉग को हम आज यहीं पर एंड करते हैं, और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।